Hey guys, welcome back to We Are Family Vlogs. So guys, आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी, वो भी मैं बनाने जा रही हूँ मटकी पे। तो गाइज ये मैं इस पे बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो गाइज हम 1 वीक से खा रहे हैं इस पर सब्जी बना करके। तो गाइज हमारे पेट में गैस नहीं बन रही है, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन पे अगर आप खाना बनाते हो तो एक अलग सा ही स्वाद रहता है। सो बहुत सारी चीज़ के बेनिफिट्स हैं इसमें मिट्टी के, आयरन मिलता है, सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ इसी पे आजकल बनाना, क्योंकि अगर स्वास्थ्य हेल्दी है तो फिर अच्छा है ना। थोड़ा सा मेहनत है पर कोई बात नहीं। तो गाइस यू के पापा सुबह नाश्ता करके चले गए थे शोरूम, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रही है, अब वो आएंगे लंच के लिए। तब तक मैं लंच रेडी करके रखूँगी, तब तक वो आ जाएंगे। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी, युवू को भी कर लिया था रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं, किसी काम से जाना है मुझे आज, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शोरूम। शोरूम से युवू के पापा को पिक करेंगे और वहाँ से फिर जाएंगे। गाइज आज मेरे मुँह में एक छाला हो गया है साइड में, मतलब टंक में हो गया है, तो मुझे बहुत बोलने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो पता नहीं कैसे वो हो गया, एक छाला बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो गाइज हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, जा रहे हैं पापा के पास। युवू बिल्कुल शांति से बैठता है गाइज यहाँ पर, और युवू को कार में कभी भी शूज़ पहनना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है शूज़ सबसे पहले निकालता है। अब वो कम्फर्टेबल होकर के बैठा रहेगा पूरे टाइम, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा ड्राइव में। गाइज छाला बहुत दुख रहा है। तो गाइज हम लोग शोरूम पहुंच गए थे, जस्ट अभी पहुंचे हैं। युवू को बाहर जिया ने रख रखा है, क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकता। कुछ मूर्तियां बाहर नीचे रखी है सिलेक्टेड, तो वो तोड़ सकता है, इसलिए उसको अभी बाहर रखा हुआ है। तो गाइज अभी हम शोरूम से निकल करके वापस घर पर आए हैं, क्योंकि कुछ सामान छूट गया था तो ये लेने गए हैं ऊपर, गायब है यहाँ से। और युवू पी रहा है दूध, तो ये लेकर के आएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। तो गाइज युवू और मैंने लगा लिए हैं सनग्लास, क्योंकि बाहर बहुत धूप है और धूप में मेरा हेडेक होने लगता है, तो युवू का भी हेडेक होने लगता है, इसलिए हम दोनों ने लगा लिए हैं सनग्लासेस। युवू कैसा लग रहा है आपको? युवू युवू कैप भी लगा लो, ये हीरो से तो कम नहीं लगता, लुक देख तेरा किलर। तो गाइज यू बिल्कुल हीरो लग रहा है। अरे गंजू पग्गू कहीं का, मम्मा का पग्गू छब उतार दिया। तो गाइज यू बता रहा है पापा को कि मम्मा ने गॉगल लगाया है, मैंने भी गॉगल लगाया। सो पापा आ गए, पापा के पास गॉगल नहीं है, पापा गरीब हैं। पापा के पास आंखें हैं। आंखें तो हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है हमारे पास आंखें नहीं है, पर हम अपने आंखों को रिलैक्स करते हैं चश्मा लगा करके, है ना यू? यू क्या लगाया आपने ये? ये भी क्या है? ये गॉगल है। क्या है बिट्टू? गॉगल। गॉगल है। हैंडसम हैंडसम बॉय। पापा आपको दिलवा देंगे नया गॉगल? नहीं नहीं चाहिए, गूगल दिलवा दो मुझे नया। अरे वो तो अफोर्डेबल नहीं है। सो गाइस हम जा रहे हैं कुछ आज परचेस करने, वो आपको वीडियो के आखिरी में या बीच में पता चलेगा। क्यों आखिरी में बीच में क्यों पता चलेगा भाई? क्यों आप हर वक्त रिवील मत कर दिया करो स्टार्टिंग में। नहीं अभी पता चलेगा। नहीं हम जा रहे हैं गोल्ड के इयररिंग्स लेने। क्यों बताया? ये झूठ है सरासर। सरासर सत्य है, अभी देख लेना आप लोग आगे, अभी मैं सच बोलता हूँ कि नहीं, ये सरासर झूठ है। तो गाइज आ गए हैं हम हमारी मंजिल पे। मंजिल 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 आ गए हम। तो गाइज आ गए हैं हम पंजाबी सराव, यहाँ पर जिंगल बेल बहुत सारा लगा क्रिसमस का। इसको जिंगल बेल लगे हुए। तो गाइज हम लोग आ गए हैं, बहुत दिन से मेरा प्लान चल रहा था, आज सक्सेस हुआ। देखो बॉल्स रखी हुई हैं, गिफ्ट्स रखे हुए हैं,
लो। युवु हेलो। तो गाइज मैं अपने इन ईयर रिंग्स को चेंज करने वाली हूँ। आपका मम लो। अरे कुछ पसंद आया कि नहीं आपको? यूविन को जाना है कोकोनट वाटर पीने। पहले शूज पहनो आप। तो ये वाले फाइनल करे हैं, ये वाले लिए हैं फाइनली। अब जो लड़कियों की प्रथा है वो चल रही है, डिस्काउंट मांगा जा रहा है कि डिस्काउंट कर दीजिए हमारे लिए। डिस्काउंट के बिना खरीदना बहुत मुश्किल होता है लड़कियों में। डिस्काउंट के लिए कैलकुलेशन चल रहा है इधर। हाँ दिखा दी ना मैंने ये रिंग। ली वो छोटी सी और पसंद ये वाली आ रही है। अब ट्राई करेंगे शादी करेंगे। युविन को रेंडियर मिल गया है, युविन रेंडियर को खा रहा है। बहुत ही गंदी बात है जो कि युविन डर्टी है ना बच्चा वो। देखा ना ये हाँ ये वाह यार पर शानदार लग रहा है। हाँ ये ले लो ना, ये डेली पहना करो तुम। लेना ये है और देखना ये है। हाँ बिल्कुल बढ़िया सही है। तो गाइज हम यहाँ से निकल चुके हैं। मुझे तो पसंद आ रहा था पर फिर जब उन्होंने मेरा जो एक्सचेंज वाला था उसका रेट बहुत कम बताया तो मैंने सोचा कि क्यों मैं यहाँ पर सेल करूँ, जहाँ से मैंने परचेस किया था मैं वहीं जाकर के सेल करती हूँ, फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे यहाँ से लेना है या फिर वहाँ, अगर मुझे वहाँ पर अच्छा लग गया तो मैं वहीं से ले लूँगी। और गाइस नीचे और ऊपर दोनों के मेरे इयररिंग्स यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर सिर्फ नीचे नीचे का मिल रहा था, ऊपर वाला है ही नहीं इनके पास, जो नोज रिंग में पहनते हैं ना वो वाला इनके पास था ही नहीं। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ जहाँ से मैंने अपने इयररिंग्स परचेस किए थे, वहाँ पर मुझे वैल्यूएशन भी अच्छा मिल जाएगा और उसके बाद मुझे ऊपर के इयररिंग्स भी अच्छा। और वहाँ से यहाँ आने के लिए और यहाँ से वहाँ जाने के लिए 2-3 राउंड लगेंगे। अपने पास में पर्सनल ड्राइवर तो है ही, तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। उसमें भी जैसे कितने भी राउंड लगा सकते हैं, ऐसे कोई फीस भी उसकी ज़्यादा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा पैसे मांग लेगा 2-3 राउंड के। यू पहले पापा को बोलो, पापा बोलो पापा गलत बात नहीं बोल। और चाहिए वो चिप्स यूविन को, और चाहिए आपको चुको और चाहिए यहाँ से। गाइस अच्छा नारियल पानी पीने से सर्दी होती है ना, यू कब से मांग रहा है और ये उसको पिला रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते तो अपने को ये दिन नहीं देखना पड़ता। पढ़े लिखे हैं हम, ठीक है बहुत पढ़े लिखे। जो पानी होता है ना नॉर्मल MBBS है हम, नॉर्मल पानी होता है ना उससे करोड़ गुना अच्छा वो नारियल पानी होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं बहुत सारे। वो सब है पर ठंडा वो होता है इसलिए बच्चों को नहीं दे सकते हैं। भाई साहब लेके चले क्या घर पे गर्म करके पिलाए? गाइस इनसे कोई नहीं जीत सकता इसलिए बात करना ही बंद कर दो। अरे भाई साहब। तो गाइस बस हम पहुंचने वाले हैं ज्वेलरी की शॉप पर जहाँ से मैं परचेस करती थी हमेशा, तो अभी हम वहाँ आए। तो गाइस पहले खा ली जाए पानी पूरी क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख। तो गाइस C21 के जस्ट सामने खा रहे हैं हम लोग पानी पूरी। मैं पानी पूरी खिला दूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ आ गए हैं रिलायंस पे। यहाँ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। ये वो कम है इनके तो फ़ोन ही बंद नहीं होते हैं कभी भी। वो अनुष्का शर्मा का जो बोर्ड लगा है ना उसको देख करके योगी अभी बोला मम्मा है। मम्मा ऐसे दिखती है बेटा अनुष्का शर्मा जैसी? मम्मा ऐसे नहीं दिखती है, उसको ये मम्मा चाहिए। मतलब क्या है?
ऐसा यूविन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि उसको मम्मा है इसमें दिख रही है। तुम्हारे मन में ज्यादा लड्डू फूट रहे ना, तभी चूरम चूर कर दूंगी एक फूसा दे करके। समझ में आया? बड़े आए विराट कोहली की वाइफ है। यूविन को मम्मा चाहिए। मम्मा वैसी नहीं दिख रही है, मम्मा चाहिए उसको, नई मम्मा चाहिए, ये बोल रहे हैं। देखो तो सही, ज्यादा ही मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे बट्टू तुम फिर से उतार रहे हो यार। तो गाइज मेरा काम आज तो नहीं हो पाया। मैंने कम से कम 4 ज्वेलर शॉप पे देख लिया, पर अभी तक मुझे कुछ पसंद नहीं आया है। और जहाँ पर एक आया था पसंद सबसे फर्स्ट पे, अब मैं कल जाकर के वही लूंगी। वही लूंगी मैं कल जाकर के। तो गाइज ऐसा ही होता है लड़कियों के साथ कि लड़कियां इतना घूम घूम करके चीजें लेती हैं पर पसंद करती हैं, पर पसंद ही नहीं आता जब तक 10 दुकानें ना घूम लें। मेरे साथ भी गाइज वही प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं घर। यू सो गया है, यू का टाइमिंग होता है 5:30 बजे सोने का, तो वो सो गया है। अब हम लेकर के उसको घर जा रहे हैं, उसको सुला दूंगी। बच्चों के दिमाग में घड़ी चलती रहती है शायद ना। टाइम जैसे ही होता है वो गाड़ी हो या कुछ भी हो सो ही जाता है। सो गाइज हम लोग घर पहुंच गए थे। युवो को मैंने जस्ट सुलाया है, ये मुझे छोड़ करके अभी गए हैं वापस शोरूम। अब मैं कुछ खाने के लिए बनाऊंगी डिनर रात का। तो गाइज हम लोग जिस काम के लिए गए थे वो काम हो ही नहीं पाया आज, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो कल करूंगी मैं वो काम, कल जा कर के। सो गाइज हम लोगों को हमारे फैंस मिल गए थे इस ज्वेलरी शॉप पर, तो उन लोगों ने हमारे साथ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। सो गाइज अच्छा लगता है देख करके ऐसा। उनके पास एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी थी, बहुत क्यूट थी गाइज। तो गाइज हम लोग जिस काम के लिए गए थे वो काम हो ही नहीं पाया आज, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो कल करूँगी मैं वो काम, कल जा कर के। सो गाइज हम लोगों को हमारे फैंस मिल गए थे इस ज्वेलरी शॉप पर, तो उन लोगों ने हमारे साथ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। सो गाइज अच्छा लगता है देख करके ऐसा। उनके पास एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी थी, बहुत क्यूट थी गाइज। यू बन गया छोटू बेबी, उसको झूलना है मम्मा की गोदी में झूला। अभी निन्नी करके उठी है मेरी बाबू, अभी निन्नी करके उठा है छोटा बाबू बन गया है वो छोटा बाबू है छोटा सा बाबू। तो गाइस जब सो करके उठता है युवो तो उसको मम्मा का बहुत प्यार चाहिए रहता है, तो वह हगी पगी कर लेता है मम्मा को, टाइट गोदी में रहने का मन करता है उसका थोड़ी देर। ये सब कहता है मेरा बेटा है ना बच्चू, मम्मा का पुत्रू। तो गाइस ये घर आ गए हैं और ये तो रोज ही घर आते हैं, कुछ नया बताओ। ये तो बताऊं ना डेली के बारे में बताती हूँ, तो बताऊं ना कि अब आ गए, गए थे तो अब आ गए वापस। मैं ऐसा बता दो एक बार में कि ये रोज घर आ जाते हैं। लगा दो युवो का। एक बार में सबको बता दो कि ये रोज मुंह उठा के घर आ जाते हैं। क्या अच्छी बात है ना, वो तो घर आ जाते हैं मुंह उठा के। तो गाइस मेरे पास एक नया वर्क आ गया है, नया काम मेरा एक बढ़ गया है। इनके भी YouTube की एडिटिंग करना, इनके YouTube के वीडियोस पोस्ट करना। अभी गाइज मैं अच्छा क्यों एडिटिंग नहीं लगती है वो जब क्लिप करना था उनको सब मैच वो नहीं करना, मैंने लॉन्ग वीडियो के कुछ भी थंबनेल नहीं बनाना पड़ता है। तो गाइज एक काम मेरा और बढ़ गया है, तो मैं गाइज अभी वो जा रही हूँ करने, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और जो दाढ़ी के लिए तुम बोल रही हो ना, दाढ़ी बड़ी हो गई, वो मैं अगले साल बनवाऊंगा। बहुत ही गंदे लग रहे हो लिटरली अगले साल, बहुत ही गंदे। गाइज जब इनकी दाढ़ी बढ़ जाती है ना तो ये थोड़ा सा ना मोटा मोटे गाल लगते है जो की अच्छे नहीं लगते। पूछ लो आप सबसे, सबको बड़ी दाढ़ी अच्छी लगती है, छोटी नहीं, इतनी भी बड़ी अच्छी नहीं लगती है जितनी तुम्हारी हो रखी। अब मैं अगले साल बनवाऊंगा। तुम साल भर मत बनवाओ दाढ़ी, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। साल भर नहीं अगले साल। नहीं नहीं तुम 2-4 साल रखो, आराम से चोटी बना लेना यहाँ पे एक। ये क्या है ये? ऐसे ऐसे कूद के चोटी बना लेना। चोटी बना करके बढ़िया लटकाना, पीछे के बाल भी बढ़ाना। ये देखो ये युविन है। हाँ। ये युविन
क्या हुआ? पहले बताओ यूविन को कार्टून लगाना है, बोलो कार्टून लगाना है यूविन को, यूवी को कार्टून लगाना है। हमारा प्यारा सा बुगड़ा है वो, बुगड़ा बुगड़ू, मेरा बुगड़ू, प्यारा सा बुगड़ू है। अच्छा पापा से प्यार से बोल के लगवा लो, प्यार से बोल दो पापा को, ऐसे बोलो पापा, प्यार से पापा बोलो, प्यार से दूसरा कार्टून लगा दो पापा, टीवी से दूसरा कार्टून लगा दो, ये क्या है, ये क्या है आपके हाथ में, क्या पोटैटो? मम्मा ने सब सिखा रखा है, पोटैटो यू बताता है, पोटैटो प्यारा बच्चा। देखो आलसी, क्या है ये लगा के बैठे हो? आलसी राम, क्लचर है वो मेरा। अच्छा क्लचर है, नींद आ रही है आपको? हाँ यार, साढ़े ग्यारह बज गए हैं, साढ़े ग्यारह बज गए हैं, यू अभी तक सोया नहीं है। लोरी का क्या बताओ, लोरी यू तो गाइस डेढ़ बजे के पहले सोएगा ही नहीं, आज तो खूब सोया वो, अभी उठा है वो साढ़े नौ बजे। लोरी का क्या, लला लला लोरी। अरे इसके अलावा कोई आती है? सो जा क्या पे? सो जा गिर जा, ये तो ठूसा मार, गिर जा गिर जा, सो जा। आजा बच्चों, यू आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पकड़ो 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 पकड़ो। तो गाइस आज मेरा काम नहीं करा इन्होंने। कौन सा काम? दे इयररिंग्स का। अब मैं कल जाऊंगी और अपना लेकर के आऊंगी गाइस। मैं जाके लेके आ जाऊंगा, तुम नहीं, चार नहीं, 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 मैं खुद अपना जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, नहीं। यू प्लीज मत करो, कम है तो मैं अपना जाऊंगी, मैं खुद चूज करूंगी, तुम थोड़ी ना करोगे कोई। अरे चूज तो कर लिया ना आज ही। नहीं मैं फिर पीछे से दूंगी एक ठूसा। नाटक कर रहे हो जो सोने का ना, उठो मेरी जगह से, उठो अपनी जगह पे जाओ। यू पापा को उठाओ, पापा को उठाओ, मम्मा के जगह से। हाँ उठाओ, काट लो काट लो, यहाँ काटो, यहाँ 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 काटो, इधर इस जगह पे काटो बाबा। काटो काटो बेटा काटो, मम्मा है साथ में। तुमने बिट्टू लोअर उल्टा पहना है, लोअर उल्टा पहना है तुमने बिट्टू। वो खुद नहीं पहनता, उसे पहनाया जाता है। यू पापा को बोलो अपनी जगह पे जाओ, पापा को बोलो, पापा को बोलो अपनी जगह पे जाओ पापा। टाइगर 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 जाओ, हटो अपनी जगह पे जाओ, हमको सोने दो। शेर का पंजा काट लो बाबू गाल पे। काट लेगा वो। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक। अब कुछ लोगों को आ रही है नींद तो उनको डिस्टर्ब होगा। सो आज का व्लॉग यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए।